हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आज हम जाने वाले हैं कोटद्वार शहर के घराट क्षेत्र में। तो जो मेरे दो कज़न हैं वो पहुंच चुके हैं घराट में, और अभी सनी उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि घराट में घूमने के लिए आना है। बट अभी तेज़ बारिश है तो रास्ते का जो भी व्यू होगा वो आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाऊँगा। बट घराट पहुँचते ही जो भी वहाँ का व्यू होगा, और घराट बहुत से लोग जाते तो हैं बट घराट का मतलब लोगों को पता नहीं है, और वहाँ लोग जंगल में अपना पार्टी मस्ती जो भी करने जाते हैं बट उन लोगों को घराट का मतलब नहीं पता। तो आज मैं आप लोगों को घराट का मतलब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं सीधे घराट में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये दोनों आगे छाते में बारिश का आनंद लेते हुए। बारिश बहुत तेज़ है यहाँ पर कोटद्वार में, इतनी तेज़ बारिश नहीं है बट इस जगह ये जंगलों के साइड काफ़ी तेज़ बारिश है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो ये नहर सुक्रो नदी से होते हुए आ रही है, और घराट के बीच जंगलों के बीच से होते हुए ये नहर जाती है, और इस नहर से लोग अपनी खेत की सिंचाई वगैरह भी करते हैं। तो वैसे तो अभी इस नहर में पानी बिल्कुल ही कम है, आप देख सकते हो। तो हम घराट वाले क्षेत्र में हैं, तो बहुत से लोग घराट का मतलब नहीं जानते। घराट का जो मेन मतलब है वो है कि जो ये नहर है ये गेहूं और क्या धान पिसाने के लिए मदद किया जाता था, जिसका पानी है वो चक्की चलाने में घुमाने में मदद करता था। तो वहाँ लोग दूर दूर से, पहले ज़माने के लोग, अब तो नहीं रह गया है पर पहले ज़माने के लोग इस वाले पानी का इस्तेमाल आटा गेहूँ और धान पिसाने के लिए करा करते थे। ये होता ही है कि यहाँ पर लोग आते तो हैं लेकिन सिर्फ पार्टी करने के लिए, या फिर दारू पीने के लिए, बियर पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, या फिर दूसरी चीज़ों के लिए। लेकिन लोगों को इस चीज़ का ये नहीं पता कि इस घराट की और इस नहर की इम्पोर्टेंस कितनी है। ये एक ज़माने में यहाँ पर चक्की जो थी, मिल जो थी, उसको चलाने के लिए इस्तेमाल किया होता था। लोग यहाँ पर घूमने आते हैं पर लोगों को इस जगह के जो मूल कारण है उसके बारे में पता नहीं होता है। तो हम लोगों को जिस जगह पर भी हम रहते हैं उस जगह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको स्कूल में नहीं सिखाएंगे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाएंगे, आपको खुद ही अपनी नॉलेज के दम पर या फिर बुज़ुर्ग जो भी रहते थे उनके दम पर ये पूछना पड़ेगा। हमने भी, मेरे दोस्त ने भी और हमारे जितने भी कज़न लोग हैं, हमको भी इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन हमने भी इस चीज़ के बारे में बड़े बुज़ुर्गों से या फिर जो पहले रहते थे उनसे पूछा है। तो आप लोग जब भी यहाँ पर आए तो आपको पता होना चाहिए कि घराट का क्या इंपॉर्टेंस थी या फिर इस जंगल की क्या इंपॉर्टेंस थी। तो भाई लोग बताओ, आप किस कौन से रास्ते हम जाने वाले हैं यहाँ से आगे? तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आपको दो रास्ते दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक वाला। तो जैसे जो लोग हैं जो ऊपर गांव से आते हैं वो नॉर्मल इस रोड से आते हैं, पर अभी हम रास्ता लेंगे जंगल वाला रास्ता, क्योंकि जंगल वाला रास्ता ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि आपको अच्छा अच्छा सीन दिखे, आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाएं हम, इसलिए हम जंगल वाला रास्ता प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जंगल वाले रास्ते जाने वाले हैं। तो रास्ते का जो व्यू है वो बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि अभी बारिश हो रही है और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। रास्ते में जो भी व्यू है वो आप लोग इस वीडियो में देख पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अब आगे का व्यू आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में बने रहें, आगे अच्छी अच्छी नॉलेज आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी और बताया जाएगा कि ये जो घराट का जंगल है वो, उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। तो अभी चलते हैं सीधे आगे। तो दोस्तों, आप जब भी इस तरह जंगलों में आते हो या फिर कहीं पर भी जाते हो तो आप लोग अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेकर जाते हो। तो लोग अपने साथ ऐसी बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें या फिर चीज़ें लेकर जाते हैं, जिसमें वो खाने की चीज़ें या फिर जो भी है, कोल्ड ड्रिंक्स, माउंटेन ड्यू या फिर स्प्राइट लेकर जाते हैं। तो जंगल, आप जंगल में जा रहे हो, ज़रूरी है कि आप जाओ ताकि आपको उस चीज़ के बारे में पता चले। लेकिन जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो या तो फिर आप उसे उठा लो, उस जंगल को साफ़ कर दो, या तो फिर जो आपके साथ चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर जाओ, जंगलों में मत फेंको। जंगल इससे गंदे होते हैं। अब देखिए, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये इतनी आसानी से मिट्टी में मिलता नहीं है, बहुत समय लगाता है प्लास्टिक। इसके बारे में स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है और आप लोग इसे ऐसे ही फेंक देते हो तो ये जंगल को नुकसान करता है। तो अगर जंगली जानवर भी, अगर कभी जंगली जानवर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, ये जैसे गायें खा लेती है इसको या फिर जंगल में कोई जानवर खा लेता है, तो उसको परेशानी हो जाती है और अंत में उसकी मौत भी हो जाती है इससे। तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए और इन चीज़ों को आप आइए यहाँ पर, आप ये चीज़ें लाइए भी, पर अपने साथ, जैसे अभी मेरा कज़न है, हम लोग इस चीज़ को अपने बैग में, ये सारे प्लास्टिक जितना हो सकता है उतना हम अपने बैग में जमा कर रहे हैं और जितना हो सकता है हमसे हम साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहा हूँ कि लोग जंगल बहुत जलाते हैं,
जंगल जला के कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए लोग उस ज़माने की तरह आप गायें और जो भी कैटल जो भी वो रखते थे वो रखते ही हैं आजकल मवेशी, तो आप जंगल जला किस ले रहे हो? जंगल जला के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना तो वो घास आपने खानी है, ना ही आपने गायें पालनी है। तो आप जंगल मत जलाइए। जंगल का जंगल देखिए कितना खूबसूरत है, आप इसका ध्यान रखिए। आप यहाँ आइए, थोड़ा शहर की गर्मा गर्मी से दूर बचने के लिए यहाँ पर आइए। बारिश का मौसम है, ठंडा है, फ्रेश हवा मिलती है। आजकल जैसे बीमारी का सीज़न चल रहा है या फिर अब तो बीमारियाँ भी सीज़न वाइज ही आने लग गई है, तो आप बीमारियों के वक्त में यहाँ पर आइए। थोड़ा सा अपने आप को शांति के लिए या फिर जो भी होता है उसके लिए आइए यहाँ पर गंदा मत कीजिए और जलाइए मत जंगल को। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, तो आगे का जो भी व्यू होगा वो आप लोग इस वीडियो में देख पाएंगे और आगे जो भी इंटरेस्टिंग बातें होंगी जंगल के बारे में आप लोगों को मैंने बता ही दिया है और इस घराट के बारे में भी आप लोगों को बता दिया है और रास्ते का जो व्यू है वो आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं। तो चलते हैं अब आगे। मेरे दो भाई आगे निकल चुके हैं, मैं पीछे ना छूट जाऊँ। वैसे भी पहली बार आ रहा हूँ इस जंगल में और कभी भी हाथी वगैरह आ सकते हैं, तो भाई मेरे को तो बहुत डर लगता है वैसे भी। तो चलते हैं अब आगे। जैसे कि आज बारिश का दिन है और आज आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू निकल के आया है और मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये हरा भरा जंगल है आप सिर्फ वीडियो में देख के इसका आनंद ना लें, आप लोग यहाँ पे आके भी इस जंगल का काफ़ी अच्छा आनंद ले सकते हैं। और इस जंगल में जो जंगली जानवरों का जो खतरा है अब वो इस बारे में मेरा भाई बताने वाला है आपको। इस जंगल में हाथी, लेपर्ड यानी गुलदार, टाइगर यानी बाघ और अन्य बहुत तरीके के जहरीले सांप, बड़े सांप जैसे अजगर भी पाए जाते हैं। तो आप लोग यहां पर आइए और इस दृश्य का आनंद लें। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये कुंड या फिर गड्ढे बन रखे हैं, ये सारे के सारे गड्ढे बारिश के वक्त पानी से भर जाते हैं और इन्हीं गड्ढों में जंगल से आने वाले जानवर, जो प्यासे जानवर है गर्मियों में जिनको पानी नहीं मिलता है, वो इन्हीं गड्ढों से पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके साइंस आपको हमें यहाँ पर भी दिख सकते हैं कि जैसे ये हाथी, यहाँ पर हाथी आए होंगे तो उनका गोबर यहाँ पर चारों तरफ फैला हुआ है और यहाँ पर और भी जानवर आते हैं तो आपको उनके भी अवशेष मिल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी जंगली जानवर का शिकार हुआ है, छोटे जानवर का, जब वो शायद पानी पीने आया होगा तो किसी जंगली जानवर ने उसका शिकार कर दिया होगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जितना हो सके इन जंगली जानवरों से दूरी बना के रखें और जितना हो सके सावधान रहें, सतर्क रहें। जो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे गाँव के लोग हैं वो गाँव में जाते हैं और अपने पशुओं के लिए, अपने मवेशियों के लिए जितनी भी हरी घासें हैं वो काट के लेकर आते हैं। तो गाँव यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि आप अकेले हो, आप यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन वो बहुत ही सावधानी बरतते हैं, आपको भी सावधानी बरतनी है और अपना ध्यान रखना है। आप यहाँ पे घूमने आइए लेकिन उन आप जानवरों का भी ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। आप लोग ही ने हम तो मतलब घूमने आए नहीं, मतलब थोड़ा वीडियो बनाने आए हैं तो बहुत नहीं जाना। हाँ वही उसी चक्कर में आपसे थोड़ा पूछ रहे थे। तो अब आप पूछ रहे हो जो पूछ रहे कहाँ से होगा अंकल आप? कहाँ से हो? दिल्ली की डाड़ी। दिल्ली डाड़ी से? अच्छा तो वहाँ से मतलब आपने ये गाय ली? मतलब जंगली जानवर भी होते हैं? हाँ बेटा हाथी, हाथी वगैरह भी मिलता है। अच्छा भी हाँ मैं अभी आ रहा था ना और से, तो पता नहीं कौन सा जानवर ऊपर से मतलब शिमला का था जो भी था उसकी आवाज़ आ रही है। हाथी है बेटा, यहाँ ना जाना चाहिए आप। तो ये नदी वगैरह जो यहाँ पर पानी आ रहा है हमेशा यहाँ पर रहते हैं? हाँ आते रहे बेटा।
तो बरसात में तो ज़्यादा ही पानी आता होगा इसलिए नहीं आता है ज़्यादा तो ज़्यादा बरसात में। अच्छा आपने हाथी देखे यहाँ पर? नहीं बेटा आज नहीं देखा, आते हैं ना जो भी। अच्छा इधर पानी पीने वाले वगैरह आते हैं ना यहाँ पर नदी वगैरह? अभी तो ये मैंने पहले ये तो रास्ते में बोट फंसी, दो बेचारे थे और हमारे ऊपर से आना, अब उन्होंने उसने मोटरसाइकिल से उसको गिर दिया। अच्छा तब तक हम ऊपर से हल्ला उल्ला कर दिया दोनों थे हम। अच्छा बाघ गुलदार वगैरह भी नहीं? अच्छा हिरन वगैरह मोर वगैरह मोर उब हाँ हाँ मोर भी मोर भी अपने ना मैं नदी में। हाँ चलो ठीक चलो ना बेटा ठीक है देख जाओ बेटा है ठीक है। आज हम लोग सिर्फ इस नदी के किनारे तक ही पहुँचे, इससे आगे भी हम जाने की सोच रहे थे लेकिन हमने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि अगर आपको आगे का रास्ता पूरा करना है तो आपको सुबह जल्दी निकलना चाहिए था क्योंकि आप वापस आने वाली दूरी को पार नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमने सोचा है कि हम आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे और अगर आप लोग बहुत सपोर्ट करोगे तो हम इससे आगे का भी ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो एक बहुत ही ख़ास चीज़ मैं आपको बताने जाता हूँ जिसका मकसद था कि हम तीनों यहाँ पर आए हैं, वो सिर्फ जंगल हरे पेड़ दिखाना नहीं था, वो था कि आप लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि ये जंगल ये पेड़ पौधे ये नदियाँ ये हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकती, क्यों? आपकी और हमारी बेवकूफाना हरकतों की वजह से। अब हमने आते हुए देखा कि इतने ज़्यादा प्लास्टिक किसी ने फेंक रखा था, किसी ने क्या फेंक रखा था, कोई यहाँ पर स्मोकिंग करने आता है, कोई दारू पीने आता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, तो वो चीज़ अच्छी बात नहीं है। अब हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं कि इस जंगल को बचाएं और लोग फिर ऐसी हरकत करते हैं तो उनका मनोबल भी घटता है। तो जैसे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ हैं और यहाँ पे जैसे छोटे छोटे फल भी लगे रहते हैं, मैंने रास्ते में आया तो जामुन के पेड़ और यहाँ पे तिमूल के पेड़ भी लगे हुए हैं। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है और जैसे कि बारिश का मौसम हो रखा है और काफ़ी बादल लगे हुए हैं और कभी भी बारिश हो सकती है। तो अभी जो गांव है आगे जब मेन शो था वहां तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए हमें काफ़ी जल्दी आना पड़ेगा सुबह। अब देखिए कि क्या है कि ये जंगल काफ़ी सुंदर है, हम लोगों को देखते देखते और भी लोग आएंगे, आप लोगों भी यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाओगे, वीडियोज़ बनाओगे, काफ़ी चीज़ें देखोगे। आप आओ, सावधानी भी ज़रूरी है, देखो लोगों के साथ बातें करो, नदी के ज़्यादा नज़दीक मत जाओ, नदी में पानी ज़्यादा बढ़ जाने से बहुत यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं कि आदमी या फिर बच्चे तैरने आते हैं वो डूब जाते हैं मर जाते हैं, तो ऐसा कुछ मत करो, यहाँ पे आओ घूमो खेलो खाओ पियो लेकिन फिर वापस जाओ। और हाँ गंदगी मत फैलाना। और हमने ये ब्लॉग बनाया है और हम आगे भी बनाएंगे लेकिन हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे कि अभी हम इस वीडियो को आगे भी कंटिन्यू कर सकते थे बट जो मेन शो होता है वो काफ़ी दूर है यहाँ पे से और अभी हमें कुछ लोग मिले थे, वो उन्होंने कहा था कि आगे जंगली जानवर भी हो सकते हैं, तो अगर आप लोग वहाँ तक जाते हो तो आपको वहाँ पे नाइट स्टे करना पड़ेगा बट अब काफ़ी देर हो चुकी है, यहाँ पे से काफ़ी दूर है जो मेन शो है,
तो अगर हम इस वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करें तो आप लोगों को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। वैसे भी जो ये ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ, और आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए हम वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ आगे जितना ज़्यादा हो सको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और हमें बताओ कि क्या बोलते हैं कौन कौन यहाँ पे तक आया है और इस वीडियो में किसको नई जानकारी मिली है, आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट में। और इसी के साथ यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो आप वो भी बता सकते हो ताकि हम अगली वीडियो में आपके सामने वो भी ला सकें। और हो सकता है कि हम किसी जानवर से मिल जाएँ, या फिर वैसे हम चाहते नहीं हैं पर अगर मिल जाए तो वो भी आपके लिए बढ़िया सा हो सकता है। तो वैसे तो आज हमने कोई जंगली जानवर हमें मिला नहीं, अच्छा, बट हमने कुछ दो तीन जानवरों की आवाज़ें ही सुनी थी। तो आगे जो हम वीडियो करेंगे उसके लिए आप लोगों को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम आगे आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहें। इसी के साथ यहाँ पे ब्लॉग ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच पाए। तो इसी के साथ यहाँ पे ब्लॉग खत्म करते हैं। जय हिंद।